श्योपुर में विश्व टीवी दिवस पर 24 मार्च 2022 के अंतर्गत एंटी ईपी कार्यक्रम के अंतर्गत टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत आज 24 तारीख को टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए जिला चिकित्सालय श्योपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज और मरीज के अटेंडरों को टीवी स्वास्थ्य शिक्षा के पैम्पलेट बांटे गए। साथ ही जिला चिकित्सालय श्योपुर के साथ जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जिले को टीवी मुक्त करने के लिए सभी चिकित्सक स्टाफ के द्वारा शपथ ली गई और जिला चिकित्सालय श्योपुर के मीटिंग हॉल में टीवी चैंपियनों की कार्यशाला डॉक्टर एसएन बिंदल जिला क्षय अधिकारी के द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला में उपस्थित समस्त टीवी चैंपियंस को एंटी ईपी कार्यक्रम के अंतर्गत टीवी बीमारी के लक्षण, टीवी की निशुल्क जांच, टीवी का निशुल्क उपचार, निक्षय पोषण सहायता राशि, टीवी बीमारी से बचाव आदि के संबंध में जानकारी दी और बताया कि अपने गांव, समाज, मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदारों को टीवी बीमारी व निःशुल्क उपचार के बारे में जानकारी दें, श्योपुर जिले को टीवी मुक्त कराने में सहयोग दें। कार्यशाला में टीवी चैंपियनों के साथ एनटीपी कार्यक्रम में पदस्थ एसटीएस सुरेंद्र शर्मा के साथ, सादिक मोहम्मद, दीपक फाउंडेशन के डीपीएम नितिन श्रीवास्तव के साथ करीब 20 लोग उपस्थित थे। हम बीमारी के दौरान अपना रुमाल, तौलिया आदि अलग रखेंगे। खांसी होगी तो डॉक्टर से जाकर मिलेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। हमें टीवी के बारे में बताया जाता है तो हर बात को गौर से सुनेंगे। लगातार दो हफ्ते तक खांसी, बदन में खून का आना आदि लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करेंगे। जरूरत होने पर हम टीवी का इलाज जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। हमेशा साफ पानी पिएंगे और ताजा भोजन करेंगे। आइए हम शपथ लेते हैं कि हम